हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर लर्निंग नेक्स्ट टॉपिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर फॉर दिस वी आर लर्निंग दिस एक्टिविटी 1.6 सो हियर इज एक्टिविटी प्ले दिस गेम इन द फील्ड मेक फॉर ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चैन एज सजेस्टेड द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड इच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉ काम लाइक ई दू मिस डांसर तो पहले ग्रुप में क्या करना है बैक से एक दूसरे को पकड़ना है इन द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन हाथ पकड़ के ह्यूमन चैन बनानी है एंड इन द थर्ड ग्रुप थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाई टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स अपनी फिंगर टिप्स से ही उनको पकड़ना है नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चैन वन बाय वन इंटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल और फोर्थ ग्रुप को क्या करना है रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चैन तीनों जो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप जो ह्यूमन चैन बनी थी उसको तोड़ना है इन टू एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल जितने स्मॉल ग्रुप हो ऐस ए उसको तोड़ना है विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई सो अब भी गेस करो वीच तो ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक तो थर्ड ग्रुप थर्ड ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक खाली थर्ड ग्रुप में क्या था ऑनली उनके टचिंग ईच अदर क्योंकि एक दूसरे के खाली हाथ टच किए थे तो थर्ड ग्रुप इजीली टूट जाएगा जबकि फर्स्ट ग्रुप जो था जिसके अंदर बैक एंड लॉकडा तो फर्स्ट ग्रुप में लॉक किया हुआ था उसको तोड़ना मुश्किल होगा इफ वी कंसिडर ई स्टूडेंट एज अ पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद मैक्सिमम फोर्स सो इफ वी कंसिडर ई स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर अगर हम ये स्टूडेंट को पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर के पार्टिकल अगर कंसिडर करते हैं सो देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम फोर्स से कौन से ग्रुप के अंदर पार्टिकल्स ज्यादा ज पकड़ में हो गए मीन्स फर्स्ट ग्रुप में जो था इन द फर्स्ट ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स तो पहले ग्रुप में हम देखेंगे तो वो मैक्सिमम फोर्स से सब जुड़े हुए थे नक्ट एक्टिविटी वन पॉइंट सेवन टेक एन आयन नेल अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड तो थ्री आइटम हमको लेनी है वन आयन नेल देन पीस ऑफ चौक चौक का टुकड़ा आयन नेल मतलब लोहे की खिली जो होती है एंड द रबर बैंड रबर लेना है ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग कटिंग और स्ट्रेचिंग ट्राई टू ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग तो हैमर से उसको ब्रेक करने का ट्राई करना है आयन नेल को देन चौक के टुकड़े को एंड द रबर बैंड को सो so पहले हैमरिंग करेंगे दैन कटिंग एंड देन स्ट्रेचिंग एन विच ऑफ द अबाउट थ्री सब्सटेंसिस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर विथ ग्रेटर फोर्स तो आयन नेल एंड पीसीज ऑफ चौक एंड रबर बैंड ये तीन चीजों में आप देखोगे तो किस में ज्यादा ग्रेटर फोर्स होगा सो इन आयन नेल तो आयन नेल को हैमरिंग करेगी तो भी उसके कोई टुकड़े या पाउडर नहीं होगा जबकि पीसीस ऑफ चौक में हैमरिंग से उसके टुकड़े हो जाएंगे आयन नेल को हम स्ट्रेचिंग भी नहीं कर सकते कटिंग भी नहीं कर सकते सो so, न सेट इन थ्री सब्सटेंसी द पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर विद ग्रेटर फोर्स इन अ आयर नेल तो आयर नेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैदर विद ग्रेटर फोर्स ज्यादा ताकत से उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नाउ इन एक्टिविटी नंबर वन पॉइंट एट टेक सम वाटर इन अ कंटेनर ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स तो एक कंटेनर में पानी भरना है एंड ट्राई कटिंग द सर्फेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स तो अपनी फिंगर से पानी की सरफेस को कट करने का ट्राई करना है वेर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर क्या आप पानी की सरफेस को कट कर सकते हो तो नो वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर कितना भी आप पानी की सरफेस को कटिंग करने का ट्राई करो वापिस पानी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे एक बार हाथ आपने अंदर से घुमा लिया फिर जैसे ही आप छोड़ोगे तो पार्टिकल्स जो है वाटर के वो वापिस अपने साथ जुड़ जाएंगे सो वॉट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमाइनिंग टूगेदर सो ऑल द अबाउट थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम दिस फोर्स कीप कीव द पार्टिकल टूगेदर तो यह थ्री एक्टिविटी हमको समझाती है कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन धैम तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग लगता है एंड दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर और यह फोर्स की वजह से ही उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं टूगैदर मीन्स एक साथ रह पाते हैं

वॉट आर इट डिफरेंट स्टेट्स वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अथ एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस अगर हम हमारे आस पास के जितने भी मैटर है उसको ऑब्जर्व करेंगे दैन वी कैन फाइंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइव ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर एंड दी स्टेट्स ऑफ मैटर तो ये अलग अलग तरह के जो मैटर के जो स्टेट्स होते हैं अराइज मतलब उत्पन्न होते हैं ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्रास्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो मैटर के पार्टिकल्स के जो कैरेक्रास्टिक्स जो होते हैं उसके अंदर वेरिएशन की वजह से यह मैटर के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स अराइज होते हैं सो नाउ लेटर स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल सो तीनों स्टेट के बारे में हम डिटेल में समझेंगे तो फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट हियर इज अनदर एक्टिविटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द सॉलिड स्टेट सो यू नो अबाउट इट वॉट इज सॉलिड वॉट इज लिक्विड एंड एन वॉट इज गैसिस तो यहाँ रिवाइज हो रहा है आपके लिए सो इन एक्टिविटी कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स अ पेन अ बुक अ नीडल अल पीस ऑफ वुड स्टिक वुड एन स्टिक स्केच द शेप ऑफ द अबाउ आर्टिकल्स इन योर नॉट बुक बाई मूविंग अ पेंसिल अराउंड आपको नीडल वुड एन स्टिक मतलब लकड़े की स्टिक लेनी है नाउ स्केच द शेप ऑफ द अबाव आर्टिकल इन आर नॉट बुक बाई मूविंग अ पेंसिल अराउंड है उसके आसपास पेंसिल मूव करके उसके स्केच ड्रॉ करने हैं डू ऑल दिस हैव डिफाइनाइट सेप डिस्टिंग बाउंड्रीज एंडिक्स्ड वॉल्यूम वॉट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड पुल्ड और ड्रॉप्ड तो क्या जितने भी आपने शेप ड्रॉ किए उसके डिफाइनाइट मतलब कोई स्पेसिफिक शेप थे डिस्टिंक बाउंड्रीज क्या उसकी बाउंड्री थी एंड अ फिक्सड वॉल्यूम उनका वॉल्यूम था तो यस

पेन को हम प्रेस करेंगे कंप्रेस तो हमारे से दब नहीं पाएगी कंप्रेस नहीं हो पाएगी बुक नीडल पीस ऑफ वुडन स्टिक ये भी कंप्रेस नहीं हो पाएगी ऑल द अब आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड तो जितने भी थे वो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड के एग्जाम्पल्स थे वी कैन वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल एंड है वॉल्यूम्स तो हमने क्या ऑब्जर्व किया इसके अंदर वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस से डिस्टिंक बाउंड्रीज एंड फिक्सड वॉल्यूम सब सेप भी होता है बाउंड्री भी होती है एंड फिक्स वॉल्यूम भी होता है दैट इज दे हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होती है तो ज़्यादातर सॉलिड जो मैक्सिमम सॉलिड जो होते हैं उसकी कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होती है मतलब ना बराबर होती है सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन दर सेप वैन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन दर सेप तो सॉलिड अपने मेंटेन करते हैं सेप वैन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स अगर सॉलिड के ऊपर बाहर से अगर फोर्स लागू किया गया तो वो अपनी टेंडेंसी मेंटेन करते हैं सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज दर सेप सो दे आर रिजिड सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स सॉलिड फोर्स की अंडर टूट सकते हैं फोर्स की मदद से सॉलिड को तोड़ा जा सकता है बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप पर उसका शेप चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है सो दे आर रिजिड रिजिड मीन्स वह सख्त होते हैं सो so हम लिख सकते हैं वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड सॉलिड्स आर रिजिड सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट शेप सॉलिड हैव अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो चार मैंने आपको समझाए वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं सो कंसिडर द फॉलोइंग वॉट अबाउट अ रबर बैंड कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग क्या खींचने के रबर बैंड ने अपना सेप चेंज किया इज इट अ सॉलिड हाँ थोड़ी देर के लिए उसने अपना सेप चेंज किया इज इट अ सॉलिड तो वह सॉलिड है यस इट इज अ सॉलिड देन सेकंड व्हाट अबाउट सुगर एंड सॉल्ट व्हेन कैप्ट इन डिफरेंट जार दिस टेक द सेप ऑफ द जार आर दे सॉलिड तो शुगर एंड सॉल्ट उसको तो जिसके अंदर जो भी जार के अंदर भरा जाता है उसका सेप ले लेते हैं वह सो so, क्या वह सॉलिड है यस दे ऑल्सो सॉलिड एंड वॉट अबाउट अ स्पंज स्पंज जो होता है सॉफ्ट होता है इट इज ए सॉलिड तो यह सॉलिड नहीं है सॉरी इट इज अ सॉलिड तो उसका फॉर्म सॉलिड है येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट उसको दबा सकते हैं फिर भी वह सॉलिड है वाई तो इसके रीजन नीचे दिए हुए हैं जो आप समझना सो रबर बैंड भी सॉलिड है सुगर एंड सॉल्ट भी सॉलिड है स्पंज भी सॉलिड है वह रिजिड नहीं होने के बावजूद वह सॉलिड है सो वाई रबर बैंड चेंजिज सेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम सेप वैंड रबर बैंड चेंजेस इज सेप तो रबर बैंड अपना सेप चेंज करता है अंडर फोर्स फोर्स के नीचे एंड द सेम सेम और अपना रिगेज दापिस पाता है वेन द फोर्स इज रिमू जब फोर्स हटा दिया जाता है तब तो उसका सेप रिगेन हो जाता है इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स अगर ज्यादा ही फोर्स उसको लगा दिया जाए तो वह टूट भी सकता है देन सेकंड द सेप ऑफ ईच इंडिविजुअल सुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमाइंस फिक्सड द सेप ऑफ इच इंडिविजुअल सुगर और सॉल्ट तो जितने भी इंडिव्यूजल सुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल है उसका सेप फिक्स होता है वेदर वी टेक इट इन अवर एंड हमारे हाथ में भी ले पर उसके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है इंडिव्यजुअल क्रिस्टल है उसका सेप फिक्स होता है पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार देन थर्ड वन स्पॉन्ज हैज मिनिट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड तो स्पंज में छोटे छोटे हॉल्स होते हैं बहुत सारे वैन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट उसके अंदर से हवा बाहर निकल जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट और उसको हम कंप्रेस कर पाते हैं बट ये ती, तीनों जो एग्जाम्पल है तीनों सॉलिड है ये आपको ध्यान रखना है टमोरो वी विल लर्न अबाउट द लिक्विड स्टेट तो सॉलिड स्टेट में आपको उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझनी है और एग्जाम में उसकी प्रॉपर्टी कई बार आती है तो आपको उसकी प्रॉपर्टी तैयार करनी है एंड वाट इज सॉलिड वो आपको समझना है अच्छे से थैंक यू हैव अ नाइस डे